तुम्हें नुकसान न पहुंचा। विश्वासघात। जा ही रही हो तो अगर हो सके तो निशिता को अपने साथ घर ले आना, ओके? ये ले जाओ। बहू, एक कप चाय मिलेगी? जी। तुम चाय इतनी टेस्टी बनाती हो, क्या हम रेजिस्ट ही नहीं कर पाते हैं। थैंक यू डैडी। थैंक यू बेटा। रुको बेटा, बैठो, हम तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। देखो बेटे, अपनी मम्मी की बातों का बुरा ना मानना, इट्स जस्ट दैट वो थोड़ी सी अपसेट है, ट्राई एंड एडजस्ट इट। जी। वैसे बेटा, उसको तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको तुम्हारे काम से ऑब्जेक्शन है। मैंने उसे समझाने की बहुत कोशिश की लेकिन डैडी, मैंने असाइनमेंट लेने से इनकार कर दिया है। देखो बहू, मैं तो यही सजेस्ट कर सकता हूं कि या तो तुम और ऋषि अपने अलग मकान में शिफ्ट कर जाओ या फिर तुम अपने जॉब से रिजाइन कर दो। देखो बेटा, मेरी बात को गलत मत समझना, मैं तो तुम्हें चॉइस दे रहा हूं, फैसला तो तुम्हें ही करना है बहू। और फिर तुम अच्छी तरह से जानती हो कि मालिनी क्रॉनिक एस्थमेटिक पेशेंट है। अब ना मैं उसे दुखी देख सकता हूं ना तुम्हें। अब बेटा जी, फैसला तो आपके ही हाथ में है ना। क्या अजीब हो, काम करते रहते हो, मोटे बाल मी, मेरे लिए थोड़ा समय निकाला करो ना। जी प्लीज। ये मेरा हक है, ये हमारा बेडरूम है और आज क्या है, आज संडे है, आज तुम्हें काम पर नहीं जाना। ऋषि, मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, बैठोगे? बैठो। क्या? कल मैंने नौकरी छोड़ दी। नौकरी छोड़ दी? मुझसे पूछा तक नहीं। हमारे मैरिज कॉन्ट्रैक्ट में ये तो नहीं लिखा कि नौकरी करने या छोड़ने से पहले तुम्हारी परमिशन लेनी होगी। तुमसे किसी ने कुछ कहा? अजीब बात करते हो ऋषि, किसी के कहने पे मैं क्या नौकरी छोड़ूंगी, अपनी मर्जी से छोड़ी है। अब कई दिनों से सोच रही थी कि एक लंबी सी ब्रेक ले लूं, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है, फॉर अ फ्यू मंथ्स आई वांट टू बी द परफेक्ट वाइफ, फिर बात की सोचेंगे। कविता, बात क्या है, तुम छुपाने की कोशिश कर रही हो? ऐसी कोई बात नहीं है जो मैं तुमसे छुपाऊं। तुम्हें क्या लगता है, इस घर में जो होता है मुझे पता नहीं चलता? सब पता है मुझे, लेकिन एक बार तुमसे सुनना चाहूंगा। ऋषि प्लीज, डोंट मेक एन इशू आउट ऑफ दिस। तुमसे माँ ने कुछ कहा ना? अरे कमाल करते हो, मम्मी ने मुझसे कुछ नहीं कहा। वैसे भी औरतों की बातों में इतना इंटरेस्ट लेना अच्छी बात नहीं है। तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि मैं अपनी मर्जी से घर पर रहकर मैरिड लाइफ एंजॉय करना चाहती हूँ। बस चाहती हूँ कि जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करूं। तुम्हें पता है तुम्हारी सबसे अच्छी बात क्या है? गेस करो। तुम? Hey, this is not right. तुम बात घुमाने की कोशिश कर रहे हो। मैं कहना चाह रहा था कि फोन उठाइए। नहीं, आज मूड नहीं है, आज संडे है, आज मैं फोन नहीं उठाऊंगा। आई फील कि तुम्हें भी नहीं उठाना चाहिए, तुम्हें सिर्फ मेरे साथ यहाँ पीछे। आई फील मुझे फोन उठाना चाहिए। एक मिनट। उठाओ उठाओ, दिन भर फोन ही उठाता रहा, ये तो किस्मत ही खराब। हेलो। हेलो कविता। हाय पूजा, कैसी है?
कविता तेरे बाबा की तबीयत बहुत खराब हो गई है, आई बहुत परेशान हो गए हैं, क्या तू जल्दी घर आ सकती है? क्या ये सब? देखिए घबराने की कोई बात नहीं है, मैंने इंजेक्शन दे दिया है जिससे इन्हें आराम मिलेगा, और ये कुछ दवाइयां लिख कर दे रहा हूँ जो आप इन्हें रेगुलरली देते रहिएगा। अचानक ये पसीने से लथपथ हो गए, सांसें चढ़ने लगी, अब तो सब ठीक है ना? फिलहाल तो इनकी हालत कंट्रोल में है, पर क्या डॉक्टर? किशोर ये लो दवाइयां, बाबा को देना, डॉक्टर केलकर ने दिए, इसे उनको आराम मिलेगा, और वो बाकी की दवाइयां पूजा ला रही है। आंटी थैंक यू, पर अभी इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि वो डॉक्टर साहब आ गए ना बाबा को देखने, वो कोई एमबीसी हॉस्पिटल के स्पेशलिस्ट हैं। एमबीसी हॉस्पिटल से? लेकिन वो तो काफी महंगे होंगे। वो पता नहीं, पर जीजू ने भेजा उनको। अच्छा हुआ कविता तुम आ गई, किशोर बाबा कैसे हैं? वो डॉक्टर साहब चेक कर रहे हैं उनको। देखिए मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है कि आप लोगों ने इनका इलाज ठीक से करवाया क्यों नहीं, अब ऑपरेशन के सिवाय और कोई रास्ता नहीं बचा इनके ठीक होने का। ऑपरेशन? लेकिन इसके लिए खर्चा कितना होगा डॉक्टर साहब? यही कोई 1-1.5 लाख रुपए। 1-1.5 लाख? देखिए आजकल ऑपरेशन में इतना खर्चा तो आ ही जाता है। एक्सक्यूज मी डॉक्टर, आप? ये मेरी बेटी है कविता। डॉक्टर साहब प्रॉब्लम क्या है? देखिए इनके हार्ट में ब्लॉकेज है, इसलिए इनकी एंजियोप्लास्टी करनी होगी। लेकिन ना आपने कोई टेस्ट करवाया, ना एक्सटेंसिव चेकअप्स किए, फिर किस बना पे आप ऑपरेशन रेकमेंड कर रहे हैं? देखिए कविता जी, डॉक्टर और मरीज के बीच एक विश्वास का रिश्ता होता है। डॉक्टर साहब इसीलिए मैं जानना चाहती हूँ कि बिना कोई टेस्ट करवाए आप इतने विश्वास से कैसे कह सकते हैं कि सिर्फ ऑपरेशन ही करवाना पड़ेगा। ऋषि ये बात तो आप अपनी मदर से पूछिए। एंड विल यू प्लीज एक्सक्यूज मी, ये क्या है आई? डॉक्टर, डॉक्टर प्लीज, एक मिनट डॉक्टर, 1 सेकंड प्लीज। देखो ऋषि, सारे चेकअप तो ये लोग पहले ही करवा चुके हैं, जिनकी रिपोर्ट्स को देखकर बड़ी आसानी से ये कहा जा सकता है कि पेशेंट की जरूरत क्या है। कविता जी पढ़ी लिखी हैं, समझदार हैं, फिर भी इस तरह से बिहेव कर रही हैं, वेल मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। डॉक्टर देखिए, मैं उनकी तरफ से माफी मांगता हूँ, दरअसल देखिए उन्हें रिपोर्ट्स के बारे में पता नहीं था, एंड शी जेन्युइनली वेरी अपसेट, आई एम सॉरी। देखो ऋषि, इनकी तबीयत बेहद खराब है, ऑपरेशन जल्द से जल्द हो जाना चाहिए, यू नो ही इज वेरी क्रिटिकल। जी डॉक्टर, आई एम सॉरी। आई होप यू अंडरस्टैंड। क्या आई, ये रिपोर्ट्स 2 महीने पुरानी है, पहले क्यों नहीं बताया मुझे? क्या करती मैं इन रिपोर्टों का, कैसे बताती तुझे इतना सारा खर्चा? शादी के बाद मैं पराई हो गई हूँ, बेटी नहीं रही इस घर की। अब कविता, अब तुम सिर्फ इस घर की बेटी नहीं हो, उस घर की बहू भी तो हो, और मैं ये कभी नहीं चाहूंगी कि तुम उस घर में उनके एहसानों तले जियो। एक मिनट, मैं क्या आप लोगों का बेटा नहीं? आपके बच्चों में और मुझ में फर्क है? आप एहसान की बात करते हैं, अरे पहले क्यों नहीं बताया हमें कि सिचुएशन ऐसी थी? मैंने आई और बाबा को पहले ही बोला था कि हमको जीजू से कुछ छुपाना नहीं चाहिए, सब कुछ बता देना चाहिए, लेकिन मेरी कोई सुनता ही नहीं है ना। तू चुप कर किशोर, बड़ों के बीच में नहीं बोलते। ठीक ही तो कह रहा है किशोर, मैं क्या कुछ नहीं लगता आपका?
कैसी बात करते हो बेटा, तुम तो हमारे अपने हो। बस तेरी सर्जरी होकर ही रहेगी। देखो बेटे, मुझे ऑपरेशन ऑपरेशन की कोई जरूरत नहीं है। क्या हुआ है मुझे? मैं बिल्कुल ठीक हूं। इन डॉक्टरों को क्या है, वो तो अच्छे खासे आदमी को भी बीमार बता देते हैं। बाबा आपको क्या लगता है, आप ये सब कहेंगे और मैं आपकी बात मान लूंगा? ये प्रॉब्लम क्या है, आप पैसों की फिक्र मत करिए, पैसे हैं हमारे पास। ऋषि इस बारे में बाद में बात करें। अरे कविता प्लीज। बीबी सामान पैक कर रही हूँ। हाँ आई और बाबा को मेरी जरूरत है। हाँ कविता, लेकिन तुमसे ज्यादा इस वक्त तुम्हारे बाबा को सर्जरी की जरूरत है। उनके सामने मैंने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर चीज की एक हद होती है। अगर उन्हें सर्जरी की जरूरत है तो है। अब तुम लोगों की जिद की वजह से, तुम्हारी ईगो की वजह से उनकी जान जा सकती है। बैठो प्लीज। तुम्हारे पैसों से बाबा का ऑपरेशन हो जाएगा मानती हूं, लेकिन उनका सर हमेशा झुका रहेगा ऋषि, जो वो नहीं चाहेंगे। किसी से आंख मिलाकर बात नहीं कर पाएंगे वो। मैं सब कुछ मैनेज कर लूंगी। अरे अगर तुमसे शादी नहीं होती तब क्या करते हम? लेकिन तुम्हारी शादी मुझसे हुई है कविता, मुझसे। There's a limit to everything. अब क्या तुम मुझे पराया समझोगी? कविता मेरी बात सुनो, we're married, you're my wife. मेरा जो कुछ भी है उस पर तुम्हारा भी उतना ही हक बनता है। तुम पर मेरा हक बनता है ऋषि, तुम्हारे घर वालों के पैसों पर नहीं। अरे सुबह से शाम तक मैं भी काम करता हूं, गॉड डैम इट, क्या ये सब कुछ मेरा नहीं है? देखो ये पैसे सड़ रहे हैं कबड़, इस घर में इन पैसों की कोई जरूरत नहीं। अब अगर तुम मुझसे प्यार करती हो ना तो तुम ये पैसे ले जाओगी, और अगर नहीं ले गई तो मैं समझ लूंगा कि तुम मुझसे प्यार नहीं करती। मैंने पैसे नहीं लिए इसलिए तुमने समझा कि मैं तुमसे प्यार नहीं करती हूं। तुम हमेशा हमारे प्यार को शर्तों में तोड़ने की कोशिश क्यों करते हो? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूं, तुम्हारी फीलिंग समझती हूं, लेकिन अगर तुम सही हो तो थोड़ी बात मैं भी सही हूं। मैं पैसे रख लूंगी एक लोन समझकर, इस शर्त पर कि ये पैसे मैं तुम्हें धीरे धीरे वापस कर दूंगी। तुम्हारी बात भी रह जाएगी और मेरी भी।